आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत बीजेपी जगह जगह कई आयोजन कर रही है। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा में भी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती और आजादी के अमृत महोत्सव पर क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन किया गया। ये आयोजन कैलाशपुर समिति की ओर से बीजेपी नेता विनय जांगिड़ के नेतृत्व में किया गया। युवाओं के उत्थान के लिए 12 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला देखने के लिए आसपास के गांव के बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी भी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक फाइनल मुकाबला नाहरगढ़ और कैलाशपुर टीम के साथ हुआ, जिसमें नाहरगढ़ टीम ने जीत हासिल की, जिसके बाद नाहरगढ़ टीम को 51,000 की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी दी गई। वहीं उपविजेता टीम कैलाशपुर को 21,000 रुपए दिए गए। स्पर्धा का समापन भव्य विजय जुलूस के साथ हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन के मौके पर बीजेपी नेता विनय जांगिड़ ने कहा कि उनकी हमेशा मंशा रही है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का भी उत्थान हो और उनमें छुपी प्रतिभा निखर कर सामने आए। टूर्नामेंट के समापन के मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष नाना लाल अटोलिया, वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदीश परमार, कैलाशपुर सरपंच जगदीश माली मौजूद रहे। इन मेहमानों ने विजेता टीम और उपविजेता टीम को सम्मानित किया, जिसके बाद भव्य जुलूस निकाला गया। Thank you.